जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिविल इंजीनियरिंग के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्ट्रेस और स्ट्रेन के टॉपिक के अंदर आता है इलास्टिक मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल वो मटेरियल होता है कि कोई भी ऐसा मटेरियल जिसके ऊपर आप लोड अप्लाई करें, लोड अप्लाई करने के बाद उसकी शेप के अंदर, लेंथ में, उसकी थिकनेस में चेंजेस आ जाए, लेकिन जो ही आप लोड उसके ऊपर से वापस हटाएं तो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में चला जाए, तो ऐसे मटेरियल को कहा जाता है इलास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक मटेरियल वो मटेरियल होता है कि जिसके ऊपर अगर आप लोड डालेंगे और उसकी शेप या उसकी लेंथ में या थिकनेस में चेंज आ जाए और जब आप लोड हटाएं तो वो जो मेंबर है, जो ऑब्जेक्ट है, वो वापस अपनी असल हालत में ना आए तो उसको कहा जाता है प्लास्टिक मटेरियल। रिजिड मटेरियल वो मटेरियल होता है कि जिसके अंदर चेंज कोई नहीं आती, बल्कि वो क्या होता है कि लोड अप्लाई करने के बाद फौरन से टूट जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास है जी फोर्स। फोर्स आपको पता है कि फोर्स क्या होती है, कोई भी ताकत है, ठीक है, कोई भी ताकत। वो ताकत कंप्रेशन में भी हो सकती है, दबाव में भी होती है, खिंचाव में भी हो सकती है, शीयर में भी हो सकती है, ठीक है। डिफरेंट उसके फेजेस हैं आगे से फोर्स के। फोर्स जो है वो दो हिस्सों में तकसीम है, एक डायरेक्ट फोर्स है और एक है शीयर फोर्स। डायरेक्ट फोर्स जो है उसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया आगे से, वो एक हिस्सा क्या है जी, टेंसाइल फोर्स और एक कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है, और शीयर फोर्स जो है अलग है। अब डायरेक्ट फोर्स को सबसे पहले जो है वो चेक करते हैं। डायरेक्ट फोर्स क्या कहते हैं, डायरेक्ट फोर्स ये फिगर नंबर ए के अंदर देखिए, ये एक मेंबर है, इस मेंबर के ऊपर फोर्स एफ लग रही है। अब वो ये बात कह रहे हैं कि फोर्स वो होती है जो कि किसी भी मेंबर के सेक्शन के परपेंडिकुलर जो ताकत लगे उसको फोर्स कहा जाता है, ठीक है। परपेंडिकुलर जो है उसके ताकत लगती है उसको फोर्स कहा जाता है, ठीक है। किसी भी मेंबर के सेक्शन पे या इसके ये जो फेज है, इस फेज की जो परपेंडिकुलर जो है वो ताकत लगती है हमेशा, ठीक है, उसे डायरेक्ट फोर्स कहा जाता है। जो फिगर नंबर बी है, फिगर नंबर बी के अंदर क्या है कि यही मेंबर जो है इसका आपको पता है एक सेंट्रल एक्सिस होगा, ठीक है, जिसे न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं या सेंट्रल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। अगर यही फोर्स इस सेंट्रल एक्सिस के ऊपर लगे तो इसको कहा जाता है एक्सियल फोर्स, क्योंकि ये उसके एक्सिस के ऊपर लग रहा है, ठीक है, तो इसलिए इस फोर्स को कहेंगे एक्सियल फोर्स। अगर ये बिल्कुल इसके एक्सिस के ऊपर लगे तो उसको कहा जाता है एक्सियल फोर्स। अगर ये फोर्स है इस एक्सिस से राइट या लेफ्ट की जानब अप्लाई हो तो उसे कहा जाता है एसेंट्रिक फोर्स, ठीक है। ये जो डिस्टेंस होता है ना इस एक्सिस से लेके फोर्स की एप्लीकेशन पॉइंट तक, इसे एसेंट्रिसिटी कहा जाता है, तो इस फोर्स को कहा जाएगा सेंट्रिक फोर्स। आगे आ जाएंगे टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स क्या है जी, जब भी किसी मेंबर के ऊपर खिंचाव की ताकत लगती है, यानी किसी भी चीज को आप खींचेंगे, ठीक है, जब आप ये असल हालत में, ये जो सॉलिड ब्लॉक बना हुआ है ये असल हालत में, जब मैंने इसको दोनों साइडों से खींचा तो ये जो डॉटेड लाइन है उससे क्या फर्क पड़ा कि जब देखिए, जब मैंने टेंसाइल फोर्सेस की मदद से उसे खींचा, खिंचाव की ताकत से जब वो खींचा, थिकनेस उसकी कम होगी लेकिन लेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये होती है टेंसाइल फोर्सेस और इसको एफटी से शो किया जाता है। दूसरी है जी कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं दबाव की ताकत को। अब इसके अंदर क्या है, ये जो सॉलिड है ये मेंबर है असल हालत में पड़ा हुआ, लेकिन जब मैंने इसके वो फोर्स अप्लाई करने के बाद ये डॉटेड वाले मेंबर की शेप में कन्वर्ट हो गया, लेकिन उससे वो क्या, लेंथ कम हो गई लेकिन थिकनेस बढ़ गई, ठीक है, तो इसको कहा जाता है जी कंप्रेसिव फोर्स। उसके बाद आ गई जी शीयर फोर्स। शीयर फोर्स कहते हैं कि कोई भी फोर्स जब किसी भी मेंबर के ऊपर इस अंदाज से लगे कि उसको आप यूँ समझे कि उसकी जो लेयर है ऊपर से स्लिप हो जाए या वो शीयर यानी कि बिल्कुल टूट जाए, ठीक है, और वो किसी एंगल के ऊपर जो है ना स्लिप हो गई, तो उसको हम कहेंगे जी शीयर फोर्स। शीयर फोर्स बेसिकली कहा जाता है ऊपर से लेयर का स्लिप हो जाना, ठीक है, तो उसको शीयर फोर्स कहेंगे। जजाकल्लाह।